मैं एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं फुटबॉल का बहुत बहुत आगे निकल चुका था, किंतु मेरा बैड लक इंजरी हो गया था। इंजरी के बाद मैं सोच रहा क्या करूँ, मैं इतना साल फुटबॉल में दे चुका हूँ, मैं उसके बाद क्या करूँगा मेरा कैरियर में, क्या करूँ मैं और उस लाइन किस किस लाइन में जाऊँगा। नमस्ते, मेरा नाम प्रसन्न जी सिन्हा है, मैं उड़ीसा का कटक से बोल रहा हूँ। मैं ध्यान के आने के पहले बहुत बहुत मैंने खुद के ऊपर बहुत दुख था, मैं क्या ज़िंदगी में करूँगा। मैं एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं फुटबॉल का बहुत बहुत आगे निकल चुका था, किंतु मेरा बैड लक इंजरी हो गया था। इंजरी के बाद मैं सोच रहा क्या करूँ, मैं इतना साल फुटबॉल में दे चुका हूँ, मैं उसके बाद क्या करूँगा मेरा कैरियर में, क्या करूँ मैं और उस लाइन किस लाइन में जाऊँगा। मैं अपने आप को मैं बहुत दुख रह रहा था, मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में, क्या करूँगा। कि ध्यान जब मेरा दोस्त कमल वो ध्यान करते करते मुझे बोला ध्यान दें, मैं बोला चलो मैं भी एक नया चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस करने टाइम पहला नया एक्सपीरियंस जब करना बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा तो पागलपन था जो मैं करना है मुझे पढ़ना था, सब सीनियर लोग को फॉलो कर रहा था, सीनियर लोग बहुत बहुत एक्सपीरियंस उनका बोल रहे थे, वो सब सुन के मुझे बहुत भी अच्छा लग रहा था, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं भी सोचा मैं भी ऐसा करके मैं भी आगे बढ़ूँ। सही सही में मैं आज 2-3 साल हो चुका है, मैं बहुत बहुत बेनिफिट हुआ। अब मैंने पहले क्या खुश नहीं रहता था, खुश रहने से भी इतर बहुत दूर रहता, अभी मन के अंदर भी खुश है, अभी बहुत खुश हूँ। अपने कामयाबी देख के अपने आप को भी बहुत खुश लगता है, हाँ मैं जितना कामयाब हुआ हूँ और भी हो सकता हूँ, और भी हो सकता हूँ। ये ध्यान से बहुत कुछ मिला है, और ध्यान के एक्सपीरियंस बोलने से तो बहुत बहुत है, बहुत है। मैं पहले बातचीत करने से मैं मन में एनी टाइम डर डर जैसा रहता था, क्या डर जैसा रहता, कुछ हो जाएगा क्या, क्या भूल हो जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा। अभी और कुछ डरना ही नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा से हो जा रहा है, सब चीज़ मैंने जैसा पता ही नहीं चला, हवा हवा में जैसा हो रहा है। इतना सुंदर ध्यान है। ध्यान पहले बहुत छोटा टाइम से हम लोग पापा मम्मी के साथ जा रहे थे, जब इलाहाबाद बनारस गौतम बुद्ध का सब देखते थे मूर्ति, ऐसा छोटा टाइम में देखते थे, किंतु हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे, हम लोग भी ऐसा लाइन में घुसे हैं बोल के हम लोग पता नहीं था। वो जो छोटे टाइम में गए थे बोल के आज उसे पापा मम्मी के साथ घूमे थे बोल के आज वो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे, ध्यान किया है। ध्यान मान इतना महान पुण्य काम है बोलने का नहीं, आप खुद करते करो और आदमी लोग को ये करो, करते करते देखें आपका ज़िंदगी सुंदर होता जाएगा और दूसरे का भी ज़िंदगी सुंदर बनाइए। आप दूसरे के सुंदर बनाने से अपने आपका भी दूसरे का ब्लेसिंग लेकर और भी आपका आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं बोलने का मतलब आप लोग इतना पहले क्या पखाल भात खाओ, जो खा के सो जाए, अभी और वो चीज़ नहीं, लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया। अभी मैं 2 व्हीलर लिया हूँ, मेरा दोस्त ले रहा है 4 व्हीलर, मैं 4 व्हीलर मैं घर बना रहा, जो ये बोल रहा है मैं और एक जर बड़ा टेंशन बढ़ रहा है, लाइफ का टेंशन बढ़ रहा है। पहले क्या टेंशन ही नहीं था, अभी बहुत दिन के दिन टेंशन बढ़ रहा है। टेंशन जब बढ़ रहा है हम माइंड को एक जगह में स्टेबल नहीं रख पाते हम लोग, इसलिए लाइन स्लिप कर जाते हैं, दोस्त लोगों के साथ अच्छा का दोस्त लोग को मिस कर जाते हैं, खराब दोस्त के साथ बुला के चलो पार्टी करते हैं, ऐसा पार्टी करते करते लाइफ अपना खुद का लाइफ पूरा स्लिप कर जाते हैं। स्लिप करने से उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, फैमिली में डिस्टर्बेंस होता है, दो अपने आप भाई बहन माँ बाप के साथ मैंने झगड़ा झांटी होता है, घर में एनी टाइम नेगेटिव थॉट आ जाता है, पहले ऐसा होता था। किंतु अभी ध्यान करने के बाद हम लोग और वही चीज़ नहीं, एनी टाइम हम लोग के पास आस पास में एनी टाइम पॉजिटिव माहौल एनी टाइम रहता है, और अच्छा एनर्जी वाला आदमी लोग रहते हैं सब हेल्प करने के लिए, कोई भी कुछ प्रॉब्लम होता है मैं रास्ते में ले जाता हूँ तेरा अच्छा हो जाए। हम लोग को पता ही नहीं चलता ऐसा कैसा हो जा रहा है, हम लोग खुश। उसके बाद हम लोग अभी ये कर रहे हैं नहीं, हम लोग एक महान रास्ते में जा रहे हैं बोल के हम लोग को ऑटोमेटिक रास्ता हो जा रहा है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग को, आप लोग जितना लाइफ के अंदर स्ट्रगल करते हैं ये करते हैं, आप एक ध्यान के लिए आप एक जरा एक्सपीरियंस करिए, अपना लाइफ सुंदर जब बनाने ध्यान करिए। अभी भी फ्रेंड सर्कल बहुत नेगेटिव थॉट लाते हैं मुझे नेगेटिव जैसा, किंतु मैं ठीक हूँ बोल के मैं काम मेरा करता जाता हूँ, किंतु आदमी लोग
उन लोगों का भी थॉट चेंज हो जा रहा है धीरे धीरे। बहुत बच्चे लोगों का भी चेंज हुआ है, नहीं नहीं प्रोसेन जी जो लाइन में जा रहे हैं ग्रेड लाइन में, ये अच्छा लाइन में, ये कैसा और कुछ लाइन में नहीं है, लाइफ पूरा डिसिप्लिन हो जा रहा है, ये बहुत बड़ा बनने वाला है, वो बहुत बड़ा बनना है। वो कुछ कुछ दोस्त लोग ऐसा सोचते हैं और कुछ कुछ लोग नेगेटिव पूरा माहौल में है, ये प्रोसेन जी कुछ खराब ही कर रहे हैं, ये कि इतना ये हो जा रहा है, चुपचाप हो जा रहा है, ऐसा ये तो ऐसा नहीं था, कैसा हो जा रहा है, उन लोगों को भी अभी तक भी डाउट है। पीएमसी को थैंक यू, हम लोग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है पीएमसी।